पूरा बना के हमारे। अरे पर भाई आप एक बार बताइए, आपको बनाने का अलाउड है क्या? नहीं अलाउड। मैं आपको ऐसे कैसे कर तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप? तो ब्रांडेड कंपनी का माल आप बना के दे रहे हो, ये नल्ला माल हो गया कि सबसे आप कंपनी का, ना तो आप सेल टैक्स भर रहे हो, ना आप इनकम टैक्स भर रहे हो, ना आप सेल टैक्स नहीं, वैट नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो मतलब चोरी बोले तो हाथ बंद करके चोरी भाई, इतनी बड़ी आदमी। मैं अभी कंपनी को बुला रहा हूँ, कंपनी इधर आ जाएगी। आप इतनी बड़ी, इतना बड़ा चोरी का काम आप कर रहे हो सर, और आपके पास जिगर है वाकई में सर। अपन यहाँ गहरा पाइए, इतनी बड़ा 17। नाम क्या आपका? नसीर। नसीर रहते कहाँ पर आप? हाँ आप यहाँ रहते हो ना, आपके घर पे गुनगुने घर में हैं सब लोग ना? आप घर वालों को फ़ोन करके खाली बोलेंगे पुलिस स्टेशन में, देवनार पुलिस स्टेशन में आप अपनी कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट लेके आने के लिए बोलिए, ठीक है? आपकी उम्र 17 साल आप बता रहे हो ना, यदि अगर आपकी उम्र कम निकली ना बेटा तो आप पे कार्रवाई होगी। इधर पगार कितनी दे रही? 3,000 रुपये महीना। अच्छा टाइमिंग क्या सुबह से काम पे? हाँ बेटा 9 से 8 बजे तक 11 घंटा काम करते हो आप, 3,000 रुपये पगार है आपको। अच्छा तेरी पगार कितनी बेटा? हाँ 3,000 रुपये पगार तेरी भी है। क्या टाइमिंग क्या है तेरा? कितना? 9 से 8 बजे तक। तेरा नाम क्या बेटा? क्या काम करते हो यहाँ पे? उम्र कितनी है आपकी? 18 साल की है। अच्छा पगार कितनी है आपकी? 3,000 रुपये। टाइमिंग क्या काम करने का आपका? और छुट्टी किस दिन है? संडे की दिन छुट्टी होती है आपको, ठीक। आपने कंपनी का कोई इंश्योरेंस निकाला आपने? नहीं यार। अच्छा लेबर का आपके पास इंश्योरेंस कुछ है? नहीं है। अच्छा आपके आप बच्चों को पगार क्या देते हो अभी? 80 का 100 रुपया दिन का 100 रुपया। आपको पता होगा शायद मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके हिसाब से 3,000 रुपये सैलरी महीने में किसी की नहीं दी जाती। इवन गरीब से गरीब भी अगर रहता तो उसकी भी सैलरी कम से कम 6,000 रुपये महीना होनी चाहिए। नहीं आपको नहीं पड़ेगा, पर आप दे रहे हो 3,000 रुपया, मतलब आप लेबर से आप काम करा के ले रहे हो, टोटली गलत है ना। आप लेबर का आप पिछड़ रहे हो। नहीं आप ठीक है, पर आप दे रहे हो 3,000 रुपये महीना, पर आपको पता होना चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट का जो कायदा है वो कायदे के हिसाब से आपको सैलरी देनी चाहिए। आप उससे कम कैसे दे रहे हो इनको? ऐसे ही चलता हो, जैसा चलता है वैसे मैं करते जाता हूं। अच्छा आपके पास लेबर को आप पे करते हो, टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को? आईटी रिटर्न नहीं है। नहीं आईटी रिटर्न है वो तो इनकम टैक्स आप भर रहे हो, क्योंकि आप कमाते हो करके आप टैक्स भरते हो। आप गवर्नमेंट को किसी वैट भरते हो कहीं पे, सेल टैक्स कुछ भरते हो आप? नहीं भरते। ये बिल आप जो देते हो पक्का बिल देते हो कच्चा बिल देते हो आप? कच्चे बिल पर बिना आप चेक भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कैश पैसे का आपका व्यवहार है पूरा। कितने का माल आपके पास तैयार होता है पर डे? पर डे मेरे पास होता है 8-9-10 हज़ार रुपये तक माल तैयार होता है। 10,000 का माल रेडी होता है पर डे? और ये बेचते कहाँ पर आप? ये हम लोग छपड़ी वाले आके लेके आते हैं। अच्छा फेरी वालों को आप देते हो ये माल? जी। तो आप किसी स्टोर वाले को भी देते हो सप्लाई करते हो? नहीं देते हो? नहीं चलता है स्टोर में माल, कहाँ चलता है, फैंसी माल थोड़ी है, लॉट का चालू माल रहता तो नहीं चलता। नहीं पर ये लॉट का माल नहीं है, ये तो आप डुप्लीकेट बना रहे हो ना सर। डुप्लीकेट नाम है वो, ऐसा तो ऑर्डनरी है तो 150-200 रुपये किलो वाला कपड़ा है। नहीं कपड़ा जो भी हो, पर आप तो बना रहे हो तो ब्रांड का ना तो नाम यूज़ कर रहे हो ना? हाँ तो बताएं आपको तो ब्रांड का नाम यूज़ करने का तो अथॉरिटी है नहीं ना, तो आप तो गलत काम कर ही रहे हो ना एक हिसाब से। तो आप उसको माल को कच्चे के हमें अगर मार्केट में बेचोगे तो मार्केट में कंपनी का तो नाम खराब हो जाएगा ना सर। तो आप उनकी रॉयल्टी क्यों ले रहे हो, आप कैसे यूज़ कर रहे हो आप? अभी बीच में तो हुआ था तो मैं थोड़ा बड़ा कदम अपना जो व्यवस्था दिया था तो कवर करके बंद करूँ, तो मैं 3-4 का चालू किया था काम जी। उसके बाद मैं सोचा अभी बंद कर दूंगा, अभी इससे पहले अभी माल पुराना स्टॉक खत्म करके बंद कर दूंगा। पर आपके माल तो बहुत पड़ा है, आपने जॉकी का भी बनाया? 125 टन माल है। हाँ पर जॉकी का भी माल बना था, जॉकी का भी आप मिल गया था माल सर बना लिया था मैं, जब हमें कंटिन्यू नहीं बनाता मैंने तो चालू ही। वैनोसिन का भी माल आपके पास? जी नहीं वैनोसिन का नहीं। अब लाइटें बंद करो।